क्यों 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 क्यों? इस क्यों का जवाब ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी बातें जो जो समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि क्योंकि ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये कहानी है, एक सच्चे प्यार की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें जिसमें कई मोड़ है और हर मोड़ पे एक नई मुश्किल। तनु तनु, माँ ने तुझे नया जन्म दिया है, लेकिन ऋषि को बचाने के लिए और तू भी लौट कर आई है अपनी कसम निभाने के लिए। लेकिन तनु, तू उसके लिए बनी नहीं है। हाँ, तू उसके लिए है पर उसकी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? ये घंटियों की आवाज कहां से आ रही है? आसपास कोई मंदिर भी नहीं है। तनुजा जी, कब ये कांच चुभने का मतलब, इसका मतलब क्या है? आप बताइए ना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं उसके लिए तो आई हूं लेकिन मैं उसके लिए बनी नहीं, कि मैंने उसके लिए जन्म तो लिया है पर मैं उसके साथ रह नहीं सकती? बोलिए ना क्यों। क्योंकि ये प्यार की अजीबोगरीब कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका एक ही रंग है, वो है कुर्बानी। कुर्बानी, हाँ, एक ऐसी प्रेम कहानी जो जितनी शक्तिशाली, जितनी पवित्र है, उतनी ही श्रापित भी है। हाँ, ये ऐसी प्रेम कहानी जिसमें दो प्यार करने वालों को किस्मत मिलने नहीं देगी और कायनात कभी उन्हें बिछड़ने नहीं देगी। जब जब भी तुम दोनों एक साथ आओगे, कहर टूटेगा। जब भी तू उसकी जीवन संगिनी बनेगी, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। कुदरत का यह ऐसा ही अजीबोगरीब संजोग है, उसे बनाने वाली ही तू और उसे मिटाने वाली ही तू। नहीं, हाँ हाँ तनु, हाँ, यही सच है, यही सच है। मैंने तेरी कुंडली पढ़ी, तेरे ग्रह नक्षत्र पढ़े, तेरे सितारे पढ़े,
ऋषि की कुंडली तो सबने पढ़ी, हजारों बार पढ़ी। हर कोई जानता है कि ऋषि की कुंडली में मारक दोष है, लेकिन तेरी कुंडली, तेरी कुंडली आज तक किसी ने भी गहराई में जाकर नहीं देखी। लेकिन मैंने मैंने तेरी कुंडली पढ़ी और तेरी कुंडली में लिखा है, जब जब ऋषि पे मारक दोष आएगा तू आएगी, जब जब उस पे काल आएगी तू उसे बचाएगी, तू उसकी ढाल बनके उसकी चोट खाएगी। लेकिन जितनी चोट तू खाएगी उससे हजार गुना ज्यादा उसकी जिंदगी बिखर जाएगी, तू उसकी ढाल बन जाएगी। लेकिन अगर तू उसकी जिंदगी में आई तो उसका काल बन जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे, बेपनाह मोहब्बत करोगे, एक दूसरे के लिए जियोगे मरोगे। जब तू उसके जिंदगी में रहेगी ना, तेरी श्रापित कुंडली का असर उसे उसके रिश्तेदारों से, रिश्ते नातों से सबसे दूर कर देगा। ये कैसी प्रेम कहानी जिसमें जिसमें छांव भी है और धूप भी है, रूप में भी कुरूपता है। यही सच है तनु, यही सच है। पता ही तुमसे कब प्यार हो गया, पर तुमसे बेपनाह प्यार हो गया। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि पता नहीं इस प्यार को क्या नाम दो, इस रिश्ते को क्या नाम दो। इस रिश्ते को तनुजा कहूं या तनु कहूं? देखो देखो, तुमने मेरी मॉम की क्या हालत कर दी है। तुम्हारी कंप्लेन ने मेरी मॉम को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। देखो कभी कभी माँ की करनी समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी करनी कभी बुरी नहीं होती। वो जो भी करती है अपने बच्चों के भलाई के लिए करती है। हो सकता है शायद इसमें भी तेरी कोई अच्छाई, कोई भलाई लिखी हो। भलाई? हाँ, इसमें मेरी क्या भलाई होगी। मैं जिंदगी भर ऋषि के साथ जीना चाहती थी, अपनी आखिरी सांस तक उसकी दुल्हन बनकर रहना चाहती थी। और क्या मांगा मैंने इनसे? बस अपना ऋषि मांगा, अपना प्यार मांगा, उसका साथ मांगा, पर नहीं दिया इन्होंने। अगर ऋषि के साथ जीना नहीं तो मुझे ये जन्म क्यों दिया माँ? फिर उसके साथ जिंदगी नहीं जी सकती तो मेरी आत्मा को नया जीवन क्यों दिया? क्यों ऐसी जिंदगी दी जिस जिंदगी में ऋषि नहीं है? क्यों मुझे ये जन्म दिया? क्यों? मेरा प्यार फिर से अधूरा रह गया। उस जन्म भी अधूरा रह गया मेरा प्यार। से बच कर कहा भाग रही है? हाँ, चल अंदर, चल पकड़ो उसको। खोल लड़की, दरवाजा खोल। खोल दरवाजा मैंने कहा, खोल। यहां से भाग नहीं पाएगी, खोल मैंने कहा। अनुजा दरवाजा खोल बेटी। खबरदार, जो मुझे बेटी कहा तो मैं सब जान गई हूँ। तुम्हारी सारी बातें सुनिए, मैं जानती हूँ तुम क्या करती हो, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। मैंने तुम पे विश्वास किया, तुम एक औरत और औरत के साथ ऐसा कर रही हो। छी छी, अरे तुम खुद इस शहर से भागना चाह रही थी, तुम तो भागना चाह रही थी अपने प्यार से। मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद कर रही थी, तुम्हें यहाँ से दूर भेज रही थी। तुमने कहा कि तुम एनजीओ के साथ काम करती हो, मैंने विश्वास कर लिया। तुमने कहा कि तुम दुखियारी औरतों का साथ देती हो, उनकी हेल्प करती हो, मैंने विश्वास कर लिया। गलती मेरी है,
मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अरे ओ हड्डी के कंकालो, दरवाजा तोड़ो जल्दी, जोर लगाओ। तू मनोरमा के घर से बच के नहीं जा सकती, निकल बाहर। वो नहीं, भाग रही है। अरे पकड़ो उसको, जल्दी करो। अरे रुको मुस्तंडो, आज वो लड़की बच के नहीं जानी चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पे वो लड़की चाहिए। अगर आज वो लड़की बच के निकल गई ना, तो कल से काम पे मत आना। तुम लोगों की छुट्टी कल से, समझ गए? उस लड़की का सौदा हो चुका है। क्या बोल रहे हैं मैडम जी, सौदा भी कहाँ हुआ है, पैसे कहाँ मिले? ए! यहाँ पे मैंने जुबान दी, वहां से पैसे निकल गए। हमें किसी भी हालत में उस लड़की को उन लोगों के हवाले करना है। सुन, अगर मेरे 50 लाख डूब गए ना, तो तुम सबको डुबो दूंगी, समझ गए? और सुन, अगर उस लड़की को बचाने के लिए बीच में कोई भी आए ना, काट के रख देना, काट के। कोर्ट कचहरी के चक्कर से मैं निपट लूंगी। अरे आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उस लड़की को। चल चल। तनुजा, 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 ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोको, तनुजा, 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 ऋषि, तनुजा, तनुजा, ऋषि, ऋषि वो कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, वो बिना बताए चली गई। ऋषि तुझे पता है वो कहाँ चली गई? कुछ ज्यादा ही पी ली। ऋषि, ऋषि बोल ना, तुझे पता है वो कहाँ चल गई? अब तुझे कुछ बोला उसने? तुझे मिली वो, दिखी तुझे? बता ना ऋषि, कौन चली गई? वो तनुजा, तनुजा, ऋषि, ऋषि मेरी बात सुन, ऋषि, ऋषि वो कहीं चली गई। देख, मैंने अभी दूर से तेरी कार देखी ना, तो इसलिए तेरे पीछे दौड़ी चली आई। मुझे लगा शायद हो सकता है तुझे पता हो कहाँ चली गई। बता ना ऋषि, वो कहाँ चली गई? ऋषि, कौन कौन चली गई? तनुजा। I'm sorry, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। अगर तुझे नहीं पता ना ऋषि, तो पता कर, क्योंकि उसे तेरे सिवा और कुछ नहीं पता। ऋषि, उसने सिर्फ तुझसे प्यार किया है, वो सिर्फ तुझे जानती है, और हो सकता है इस वक्त वो शायद किसी मुसीबत में है, उसे तेरी जरूरत है। ऋषि ढूंढ उसे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऋषि, ऋषि ऐसे मत कर। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुन। ऋषि देख, ये देख, उसने ना तेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने हर बार अपनी जान जोखिम में डालकर तेरी जान बचाई है। उसने अपनी कसम पूरी की, अब तेरी बारी है, तुझे अपनी कसम निभानी है। ऋषि,
आप परेशान मत करो सर को, जाने दो। नहीं मुझे, अरे हटो, अरे आप हटे। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो, ऋषि मेरी बात सुनो, वो ऋषि उसकी मदद कर, देखो उसे तेरी जरूरत है। ऋषि जी, ऋषि मेरी बात सुन, ऋषि ऋषि उसे तेरी जरूरत है। ऋषि, ये औरत बार 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 मेरे पास क्यों आती है? क्या रिश्ता है इसका, इसका मुझसे और तनुजा से? गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोकिए ना प्लीज। हेलो गाड़ी, रुक जाइए प्लीज, हेल्प कीजिए प्लीज, गाड़ी रोकिए। हेलो, हाँ, चाहे जो हो जाए, कुछ भी करना पड़े, आज रात तक वो लड़की तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। अरे साहब, मनोरमा की जुबान है ये, भरोसा रखिए। उड़ गई चिड़िया हाथ से। अरे चिड़िया तो उड़ गई, सोच मैडम को क्या जवाब देंगे। अरे वो तो डायन है, डायन मार डालेगी। हाँ यार, मार तो देगी वो। चलिए प्लीज जल्दी चलिए, चलिए चलिए प्लीज जल्दी चलिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए गाड़ी रोकी। अगर आप टाइम पे गाड़ी नहीं रोकते तो वो लोग पता नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ ना, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा दूंगा। थैंक यू। आप गाड़ी क्यों स्लो करें? गाड़ी मत स्लो करिए प्लीज। गाड़ी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? निकल निकल निकल। ये ले मनोरमा, 50 लाख रुपए की बात हुई थी ना, तेरी कीमत को मैंने नेक में बदल दिया है, पूरे 51 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मेरी तरफ से। तूने सही बोला था, बहुत तगड़ा माल है, बहुत तगड़े पैसों में मिलने वाला है, इसका सौदा करने में मुझे बड़ा मजा आएगा। तुझे क्या लगा कि मनोरमा के चंगुल से बच के भाग जाएगी? अरे बरसों से यही धंधा करती आई हूँ मैं, समझ गई? हीरा और पत्थर दोनों की पारखी हूँ मैं। एक बार जो लड़की मेरे शिकंजे में आ जाए तो वो चाहे कितना भी भाग ले, घूम फिर कर यही वापस आती है। मौकनिक, मुझे तनुजा से अकेले Thank you.
ये सब क्या हो रहा है ऋषि? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? उस रात जो हुआ, जो कुछ भी, सब मेरी गलती है। आता मुझा जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी ऋषि, मेरी गलती थी। और प्लीज तुम अभी ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बोलो ऋषि, चुप क्यों? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं तुम्हें इस भरी दुनिया में अकेले नहीं छोड़ सकता। दुनिया बहुत बुरी है तनुजा, बहुत बुरी। और सही कहा तुमने, हम साथ में नहीं रह सकते, नहीं। मतलब बहुत साफ है, तुम चाहती थी ना कि मैं अपनी मॉम को मतलब खुश देखूं, मतलब मॉम की खुशी में तुम्हारी खुशी है ना? तो बस मैंने मॉम से मतलब मैंने ये सोचा कि मॉम को खुश करना है, तो मैंने मॉम से सब कुछ कह दिया जो मुझे लगा मुझे मॉम से कहना चाहिए था। और अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं। क्या तनुजा? मॉम चाहती है मतलब मैं कर लूंगा। मतलब मेरी मॉम चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बोलो कैसी शर्त? चाहती हो? मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी भी दूसरी शादी करूंगा, मतलब इनफैक्ट मैं तो करना भी नहीं चाहता, कभी भी नहीं। कोशिश करूंगा, पता नहीं दिल पे पत्थर रखकर मैं शायद तुझसे शादी कर लूं, लेकिन शादी तभी करूंगा जब तुम भी दूसरी शादी करोगी। जब तुम भी दूसरी शादी करोगी, किसी के साथ घर बसाओगी ना, तब मैं भी दूसरी शादी करूंगा। हाँ तो जा, मैं तभी शादी करूंगा। तुम चाहते हो मैं अपनी मॉम को खुश करूं ना, कि मॉम खुशी में तुम्हारी खुशी, तो हाँ अगर तुम घर बसाओगी और घर बसने के बाद जब मैं देखूंगा कि तुम उस घर में खुश हो, उसके बाद मैं शादी करूंगा। हाँ तनुजा, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे एक महीने का वक्त दिया है, तो इस एक महीने में मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुशील, एक अच्छे स्वभाव का लड़का तुम्हारे लिए मैं खोजूंगा, तुम्हारी शादी करूंगा, तुम्हारी शादी होने के बाद फिर मेरी शादी होगी। दुनिया बहुत बुरी है, इट्स अ बिग बैड मीन वर्ल्ड, और मैं तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी शादी होगी, जिससे कि मुझे पता लगे हाँ तुम खुश हो, जिसके साथ भी हो तुम खुश हो, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तुम चाहते हो ना कि मतलब
मैं इस घर का अच्छा बेटा बनूं, मेरी मेरी माँ खुश। नहीं ऋषि, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मैं दूसरी शादी मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं समझते ऋषि, मैं तुमसे कितना। यही सही है, इसी में हम दोनों की भलाई है, इस घर की भलाई है। बस, 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 बस। तनुजा मेरी बात तो सुनो। तनुजा, 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 दिल पे पत्थर रखकर मैं शायद तुझसे शादी कर लूं, लेकिन शादी तभी करूंगा जब तुम भी दूसरी शादी करोगी। तनुजा, तनुजा कहां चली गई? तनुजा, बीजी, अरे बीजी आप इतना टेंशन मत लो, आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा घर परिवार खराब हो रहा है, घर में सब दुखी हैं, सबके सब परेशान हैं, और मैं घर की बड़ी होने के बावजूद उन सबको संभाल नहीं पा रही हूँ। जी काम है, प्लीज आप। ऋषि मिला क्या? हाँ ऋषि भाई, खुद से घर वापस आ गए। खुद से मतलब वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, इट्स ऑलराइट, थैंक गॉड। बीजी रिलैक्स बीजी। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या यहाँ पे? ऋषि भाई तनुजा के साथ में घर वापस आए। What? तनुजा फिर वापस आ गई? जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। फिर? ऋषि भाई ने तनुजा को दूसरी शादी करने के लिए बोला है। I'm sure मॉम ने कहा होगा ऋषि से कि तनुजा की दूसरी शादी करवा दो, उन्हीं से तो मिलने गया था ऋषि, और एक वही तो है इस पूरे घर में जो तनुजा के ऐसा कह सकती। तुम्हारी शादी होने के बाद फिर मेरी शादी। तेरी कुंडली आज तक किसी ने भी गहराई में जाकर नहीं देखी, लेकिन मैंने तेरी कुंडली पढ़ी और तेरी कुंडली में लिखा है जब जब ऋषि पे मारक दोष आएगा तू आएगी, जब जब उस पे काल आएगा तू आएगी, तू उसे बचाएगी।